हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंसर्ट और अपेंड। ये दो फंक्शन का डिफरेंस क्या है जो कि हम लोग लिस्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक एग्जांपल देके देखेंगे कि आखिर अपेंड फंक्शन करता क्या है। ठीक है, तो चलिए एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, उसका नाम है होम लिस्ट। ठीक है, अब इस होम लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ आइटम्स अपेंड कर रहे हैं। लाइक सपोज एक कार, और क्या पेंट करेंगे? सपोज एक सपोज रेफ्रिजरेटर और चलिए एक आइटम और पेंट करते हैं होम लिस्ट डॉट अपेंड एक लैपटॉप। ठीक है, तो अब हम इस लिस्ट को अगर प्रिंट करें, प्रिंट होम लिस्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या होता है। इसको रन कर करेंगे पाइथन स्क्रिप्ट, और जो भी हमारा प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है, अपेंड वर्सेस इंसर्ट डॉट पी वाई। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं। आप आउटपुट देख सकते हैं कार, रेफ्रिजरेटर और लैपटॉप। ठीक है, बट अभी जब हम लोग यहाँ पे अपेंड किए, जब शुरू में होम लिस्ट हमारा बिल्कुल ही खाली था, तो सबसे पहला क्या, वो होम लिस्ट जब खाली है उसमें सबसे पहला आइटम जो अपेंड हुआ वो है कार, जो कि जीरो इंडेक्स पे गया। ठीक है, उसका रेफ्रिजरेटर, ठीक है, तो ये वन इंडेक्स पे गया, और फिर हमारा आया लैपटॉप जो कि टू इंडेक्स पे गया। तो बेसिकली आगे हम लोग जैसे जैसे अपेंड करते जाएंगे, वैसे वैसे वो इंडेक्स वो लिस्ट के लास्ट पोजिशन पे वो अपेंड करेगा, यानी कि वो इंसर्ट करेगा। तो उसी तरह अभी अगर देखा जाए कि इंसर्ट क्या होता है, ठीक है, तो इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट किसी भी हम लोग उसके अंदर इंसर्ट फंक्शन क्या करता है कि हम लोग उसे पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है। जैसे कि अभी अगर ये होम लिस्ट है तो हम इसको अपेंड ना करके हम लोग एक काम करते हैं, इंसर्ट फंक्शन कर देते हैं। ठीक है, इंसर्ट, सपोज हम कार को जीरो इंडेक्स पे अपेंड किए, और ये जो रेफ्रिजरेटर है इसको भी हम अब जीरो इंडेक्स पे अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले कार था, ठीक है, बट उसके बाद हम लोग क्या किए, रेफ्रिजरेटर जो था उसको हम लोग जीरो इंडेक्स पे अपेंड किए, यानी कि कार जो है वो वन इंडेक्स पे चला जाएगा। उसका इधर एक और है, क्या है, लैपटॉप, तो इसको हम लोग काम करते हैं वन इंडेक्स पे करते हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी सिचुएशन क्या बन रहा है, चलिए बना के देखते हैं ये हमारा लिस्ट का भी डिजाइन क्या होगा। अभी होगा कार, ठीक है, जब ये लाइन जब रन कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर को हम लोग सेकेंड इंडेक्स पे भेजे, राइट, तो फिर क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर हमारा जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा और कार हमारा क्या होगा, वो वन इंडेक्स पे आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो लैपटॉप जो हम लोग अपेंड किए, ये कहाँ हम लोग अपेंड किए, वन इंडेक्स पे किए, वन इंडेक्स क्या, कार का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रेफ्रिजरेटर और वन इंडेक्स पे, चूंकि हम लोग लैपटॉप अपेंड किए हैं तो ये हो जाएगा हमारा लैपटॉप, और चूंकि कार पहले से था जो कि वन इंडेक्स पे पहुंच चुका था, तो चूंकि उसके जगह पर अभी हम लोग लैपटॉप अपेंड किए हैं तो वो क्या होगा, वो टू इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सेव करते हैं, अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं क्या आउटपुट है। आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या है, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और कार, जैसे कि हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो बेसिकली आप ये चीज समझ गए होंगे कि अगर अपेंड यूज करते हैं तो वो हमेशा लिस्ट के एंड में कुछ भी इंसर्ट करता है, जो भी आइटम आप डिफाइन करें अंदर, वही उसको वो लिस्ट के एंड में अपेंड करेगा, लिस्ट के एंड में इंसर्ट करेगा। बट जब हम लोग इंसर्ट फंक्शन यूज करते हैं तो इसमें हम लोग को दो पैरामीटर्स पास करना होता है, पहला उसका इंडेक्स और दूसरा जो आइटम है। ठीक है, जैसे कि जो कार जो था हम लोग जीरो लिखे थे, यानी कि ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, फिर रेफ्रिजरेटर जो था उसको भी हम लोग जीरो लिखे थे, तो यानी कि इसको रेफ्रिजरेटर को जीरो इंडेक्स पे भेजना है, तो जो पहले से जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट था वो कार क्या हुआ, वो नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब हम लोग लैपटॉप जब इंसर्ट किए, क्योंकि लैपटॉप को हम लोग वन इंडेक्स डाले, रेफ्रिजरेटर पहले से था, तो अब क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर जीरो इंडेक्स में ही रह गया, लैपटॉप जो है वो वन इंडेक्स पे चला गया, कार जो है वो टू इंडेक्स पे चला गया, और वही है हमारा आउटपुट। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।